दुरूद शरीफ पढ़ लो। ये दो टुकड़े होंगे यार इसके हैं इस लेक्चर के, ठीक है समझ आ जाएगी। हाँ जी, नजर आ रहा है, पढ़ा जा रहा है या उधर एक स्विच है आपके पास ना, उधर वो बंद करिए। हाँ अब है काफी है क्या और? MCQs मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और MCQs भी किए होंगे। न्यूमेरिकल डिटेल्स वाले नहीं करूंगा मैं डिस्कस, वो अगर आपने किए हैं और उसमें कुछ पूछना है तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं पूछना होगा तो मैं न्यूमेरिकल डिटेल वाले आगे बता दूंगा। सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करने हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व ना हो वो करूंगा डिस्कस, बाकी जो जिस एंड पे कुछ न्यूमेरिकल वाले हैं अगर वो आपने किए हैं और कुछ पूछना हो तो मैं करूंगा डिस्कस। पहला, अच्छा जिन्होंने नहीं किया वो पढ़ ले, इसीलिए शो चलाया है, जिन्होंने नहीं किया वो पढ़ ले। नहीं इतना गहरा न्यूमेरिकल नहीं है, हल्का ही है। यार किसी ऑफिस बॉय को बोला ना, ये 26 तो घरों के लिए होता है। तो अरे इतनी देर में एक एमसीक्यू पढ़ेंगे तो फिर तो दो क्लासेस चाहिए भाई। पढ़ लिया। पावर लिमिटेड ने इस साल 2 लाख रुपए रिसर्च पे खर्च किए हैं, इसके अलावा 4 लाख रुपए डेवलपमेंट फेज पे खर्च किए हैं, और वो डेवलपमेंट फेज जो फार्मूला जो प्रोडक्ट जो डिजाइन बन रहा था वो अभी इस साल मुकम्मल नहीं हुआ, विच विल नॉट गो इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन अंटिल नेक्स्ट ईयर। क्या मतलब है इस बात का? कि अगले साल जाके कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी, यानी इसका फार्मूला इसका डिजाइन अगले साल जाके कहीं पूरा होगा। अच्छा, कंडीशंस के बारे में कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स कंडीशंस पूरी कर रहा है। अब यही 2020 दिसंबर जो ईयर है इसके हवाले से बताएं इनमें से क्या करना चाहिए। तो क्यों सी? क्योंकि 2 लाख एक्सपेंस, 4 लाख एसेट, तो 4 लाख एसेट ये भी है, 4 लाख एसेट ये भी है। हाँ भाई, मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो सी आंसर है। किसी को पढ़ के अंग्रेजी ना समझ आई हो तो मैं सेंटेंस का मतलब भी बता देता हूँ, बी और सी का फर्क। बी में और सी में दोनों में सेम बात है कि इंटेंजिबल एसेट बनाना है और 2 लाख एक्सपेंस बनना है, लेकिन बी कह रहा है कि इसको मोनेटाइज भी करना है और सी कह रहा है कि मोनेटाइज नहीं करना। तो मोनेटाइज क्यों नहीं करना? क्योंकि इंडेफिनिट लाइफ है, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इन दो में से कौन सा है जो इंटेंजिबल एसेट हो सकता है? ये बंद किया मैंने, खुद ही बंद किया। परचेज्ड ब्रांड नेम, ब्रांड परचेज्ड हो तो हाँ एसेट होता है, इंटरनली जनरेटेड नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती, और लाइसेंस। तो लाइसेंस और परचेज ब्रांड नेम, यानी ए और डी। कोटा क्या होता है? जहां पर कोई लिमिटेशन होती है ना,
तो उस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक नंबर मुख्तस कर देती है. जैसे अगर चावलों की एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी, ये ना हो सारे चावल बाहर बेच दें तो हमारे लिए बचे कुछ ना, तो फिर करते क्या है कि एक्सपोर्टर्स को मुख्तलिफ क्वांटिटी इजाजत दी जाती है कि आप इतने टन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को कोटा कहते हैं. इसी तरह ये अभी हज का सीजन शुरू हो जाएगा तो मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसीज हैं, हज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको फिर गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिलेगी कि आप 50 हाजी ले जा सकते हैं, 100 हाजी ले जा सकते हैं, ताकि एक रिस्ट्रिक्शन मौजूद रहे. तो उस तादाद की इजाजत को कोटा कहते हैं. प्रोजेक्ट ए इस साल 5 लाख खर्च किया है रिसर्च पे, एक्सपेंस है. अच्छा, इसमें एमसीक्यूज में एक टिप ये है कि जब आप रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे ना तो फिर आप उसी नजर से सवाल को देखेंगे. अगर आपने रिक्वायरमेंट पहले ना पढ़ी और सवाल को पहले देख लिया तो सवाल का डाटा हावी हो जाता है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर ऊपर डाटा ये जैसे अभी डाटा एक्सपेंसेस एसेट्स वगैरह है, अब आपने इस डेटा को देख के ही कुछ ना कुछ एस्टैब्लिश कर लिया कि ये एक्सपेंस बन रहा है, ये एसेट बन रहा है. क्या पता रिक्वायरमेंट में जाए तो पूछा जाए कि क्या एक्सपेंस नहीं बनना, तो ऊपर जो डेटा पड़ा होगा वो सब डोमिनेट किया होगा कि ये एक्सपेंस बनना है बनना है बनना है बनना है. नीचे जाके आप नॉट पे शायद गौर ही ना कर सकें. तो इसलिए एमसीक्यू की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, फिर उसी नजर उसी माइंडसेट से फिर आप डेटा देखेंगे. अब जैसे इसमें पूछा हुआ इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से क्या एडजस्टमेंट्स ठीक है, चलो इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं थी, वरना नॉट वाली चीजें बच्चे मिस कर जाते हैं. अभी आएंगे एक दो एमसीक्यू जिनमें नॉट है, तो रिक्वायरमेंट पहले नहीं पढ़ते ना तो नॉट वाली चीज स्किप कर जाते हैं. इसमें बड़ा रिक्वायरमेंट पढ़ने की कोई बहुत ज्यादा खास फजीलत नहीं हमें मिली. पहले 3 पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में क्या हुआ कि 5 लाख रुपए खर्च किए हैं रिसर्च पे, ठीक है याद रख लेते हैं. दूसरे में कहा है कि 8 लाख रुपए पिछले साल डेवलपमेंट पर खर्च किए हुए थे और उनको कैपिटलाइज किया हुआ था, द प्रोजेक्ट वॉज कैपिटलाइज इन प्रीवियस ईयर. इस साल मजीद 2 लाख खर्च किया, 8 और 2 10 हो गए. लेकिन हाउएवर इट हैज बीन डिसाइडेड हैज अभी टू अबेंडन द प्रोजेक्ट, यानी बस खत्म. और मैंने वो जो कुछ नाम लिखे थे कि ये सब चीजें 16 वाली हैं, तो डी रिकग्निशन एक चीज बचपन में पड़ी होगी. डी रिकग्निशन होती है कि कोई भी एसेट जो हमारी बुक्स में है अगर वो बेच दें या उससे मजीद कोई बेनिफिट्स मिलने वाले ना रह जाएं तो उसको बुक्स में से निकाल देते हैं. तो ये हमारी बुक में एसेट था लेकिन इट हैज बीन डिसाइडेड टू अबेंडन दिस प्रोजेक्ट, बस अब खत्म, तो इसलिए निकाले इसको बुक्स से. तो ये 8 और 2 10 हो चुका था, ये निकाल के अच्छा निकालेंगे बुक्स में से फेंकेंगे इसको, तो बेच तो रहे नहीं है, बेच रहे होते तो बता देते. तो क्या कर रहे होंगे फिर, एक्सपेंस बना रहे होंगे. तो 10 ये और 5 वो, 15 लाख एक्सपेंस हो गया. तीसरा 10 लाख स्पेंड किया है और कंडीशंस पूरी हो गई हैं, 10 लाख हो गया एसेट, 15 लाख एक्सपेंस 10 लाख एसेट. अब इसमें 15 लाख की ऑप्शन ही है क्या, लेकिन एसेट तो सिर्फ 2 लाख कह रहा है वो, क्योंकि उसने कहा है नेट इंक्रीज. अब हमने क्या किया कि 10 लाख नीचे गिराए, किधर गया, 8 हमने एसेट में से नीचे गिरा दिया और 10 ये 8 एसेट बना हुआ था ना, ये खत्म कर दिया एसेट डाउन और ये 10 लाख एसेट बना दिया, तो नेट इंक्रीज क्या हुई, 2 लाख. तो 15 लाख एक्सपेंस और नेट इंक्रीज इन एसेट्स 2 लाख. हाँ, अब सवाल ये है कि वो जो 2 लाख है वो भी तो एसेट में गया था फिर एक्सपेंस बना है, तो उसकी कोई ऑप्शन ही नहीं है. इसलिए फिर यकीनन ऐसे ही हुआ होगा कि वो 8 लाख को हमने अबेंडन करने का फैसला कर लिया होगा और 2 लाख को फिर हमने वहीं से एक्सपेंस बना दिया होगा. या वैसे भी जब एसेट्स की इंक्रीज डिक्रीज की बात होती है ना कैश फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करो, तो कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज डिक्रीज क्या होती है, एसेट्स लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो FR1 अभी रिजल्ट नहीं आया, कैश फ्लो FR1 नेट इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकलती है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस. तो ओपनिंग तो 8 लाख ही था, 2 लाख मजीद बनाया तो बनाया, ओपनिंग तो 8 लाख था ना, और अब क्लोजिंग अब हम करने लगे हैं ये 10, ओपनिंग 8 था क्लोजिंग अब 10 आ जाएगा, तो नेट 2 लाख की इंक्रीज है.
नहीं ये दस ना। हाँ तो क्लोजिंग बैलेंस अब यही हो गया ना। प्रोजेक्ट बी पिछले साल से चल रहा था, डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से एक एसेट आ रहा था, बीडी बैलेंस था उसका, बीडी कितना 8 लाख। अब प्रोजेक्ट बी इस साल के एंड पे सीडी होगा एज अ डेवलपमेंट कॉस्ट, सीडी होगा प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी की बात कर रहा हूं, खत्म जीरो, ये अब होगा सीडी। हाँ तो बीडी 8 लाख का, सीडी 10 लाख है, तो 2 लाख का इंक्रीज आया ना, तो ये 2 लाख है। 4 ये जो इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं ना, इनमें फिर जो मैंने आपको जितना कुछ लिखवाया था और कहा था याद करना है, तो वो याद किया हुआ काम आता है, और जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं भूल जाते हैं, तो उनको फिर आईएएस में जाया हुआ साथ वो काम आता है। जैसे इसमें से ये सारी चीजें मैंने आपको लिखाई भी हुई है, बताई भी हुई है, अब इनमें से पढ़ के देखते हैं कि इनमें से क्या है जो सही है। और ये एबीसीडी नहीं है, ये एबीसीडी नहीं है, ये है एबीसीडी, यानी इनमें से मल्टीपल चीजें भी सही हो सकती हैं। यार हैदर ये मसला नहीं ठीक होना यार, ये शोर है ना अभी, ये रोज रहता है, मोबाइल भी मैंने निकाल के दूर रख दिया हुआ है, दोनों जेबों में भी अलग अलग रख दिया हुआ है, एक माइक के बॉक्स एक साइड पे है, दूसरा एक साइड पे, लेकिन ये शोर है, ये है ना शोर, ये रोज है शोर, ये डिस्टॉर्शन लग रही है ना, है हैदर या मेरे कान गूंज रहे हैं, ये है ना, ये रोज मुसलसल होती है। पॉइंट नंबर 1 रिसर्च इन्वेस्टिगेशन है ताकि हम नया नॉलेज हासिल करें, सही है। डेवलपमेंट रिसर्च की एप्लीकेशन है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई प्लांट जो स्पेसिफिकली यूज हुआ है एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, उसकी डेप्रिसिएशन को डेवलपमेंट कॉस्ट में शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक्सपेंडिचर जो एक दफा एक्सपेंस बना दिया उसका एसेट नहीं बनाना, रीइंस्टेटेड मतलब बहाल करना, तो उसको हमने दोबारा एसेट नहीं कहना, ये भी सही है, तो चारों ही सही है जी। डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट एक्यूमुलेटेड एसेट क्रेडिट, नहीं हम एक प्लांट की डेप्रिसिएशन को डेवलपमेंट में शामिल कर रहे हैं, तो जहां डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होना था तो उसकी जगह डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट, जो कि इंटेंजिबल एसेट बनाया हुआ है, और वो चूंकि प्लांट की डेप्शन थी तो एक्यूमुलेटेड एसेट क्रेडिट। 5 इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट है, आखिरी पेटेंट, क्योंकि ऊपर वाले इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये नहीं होते एसेट, रिसर्च नहीं होता एसेट, तो पेटेंट एसेट है। 6 विच 2 ऑफ द फॉलोइंग, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया है, वो जो 6 कंडीशंस थी उनमें से ये कौन सी 2 हैं, तो याद की होंगी तो आती होंगी, नहीं तो फिर इस तरह के मसाइल में एमसी वो जो आइए साथ लेके जाना ना वो काम आ जाता। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी हो और इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज ऑफ वैल्यू। अच्छा इसमें भी ना बड़ा एक गहरा एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि यह है इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, हो सकता है आपसे पूछा होता है इनमें से कौन सा एक सही है, कौन सा एक, और यह लिखा होता है इंटेंशन टू कंप्लीट बस, तो फिर स्टूडेंट ने सिर्फ यह याद किया इंटेंशन टू कंप्लीट, तो वो इसको भी सही समझ जाता है, इंटेंशन टू कंप्लीट काफी नहीं है, यूज और सेल भी शामिल है, तो इसलिए ये अच्छी तरह याद करने हैं पॉइंट्स। जी जी नहीं, अगर 2 कहा है तो फिर 2 है, अगर एक ही कहा है, अगर 2 नहीं कहा है तो एबीसीडी में से कोई एक है, नहीं अगर ऐसा कहा है तो टी ने गलत कहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मैं से पूछ लूंगा कि ऐसा क्यों कहा है, अगर 2 लिखा है तो फिर 2 है, वरना 2 नहीं है, है? वो मार्क्स जो ज्यादा है ना वो ये भी हो सकते हैं, अगर लिखी हुई अंग्रेजी ज्यादा है तो स्टूडेंट की मेहनत की वजह, मजदूरी की वजह से उसने 2 नंबर रख लिया हो, या उसने सवाल सारे बैलेंस करने थे, एमसीक्यूज एंड पे बना रहा था तो बाकी सवालों के नंबर फिट हो गए थे, जो भी अब एंड पे नंबर बांटने थे किसी तरह, उनमें भी 2 नंबर हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी पास में एमसीक्यूज आए हैं जो बड़ी मेहनत कैलकुलेशन के बाद एमसीक्यू से नंबर सिर्फ 1 या 2 थे, तो विच 2 लिखा हो तो फिर 2 है। 7 कि इनमें से हमने किसको एसेट कहना है, ये मैं आपको सारे ही समझा भी देता हूं अंग्रेजी भी,
4 लाख खर्च किए हैं एक नया प्रोसेस डेवलप करने के लिए कि जिसे रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होगा लेकिन कॉस्ट सेविंग होंगी. तो एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ रेवेन्यू की शक्ल में मिलते हैं, नहीं कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है. तो ये एसेट है, बाकी भी देख लेते हैं. ड्यूरिंग डेवलपमेंट कंपेटिटर ने एक राइवल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एंड नाउ द एंटिटी इज हेजिटेंट, यानी अभी वो घबरा रहे, कतरा रहे कि मजीद खर्चा करें या ना करें. तो अब तो नजर आ रहा है कि इनको रोक रही है, तो इसलिए ये एसेट नहीं है. मार्केटिंग पे खर्च किया है, नहीं है. कॉर्पोरेट लोगो, ये भी ना एक मार्केटिंग की चीज होती है कॉर्पोरेट लोगो, ये कोई ट्रेडमार्क टाइप चीज नहीं होती है. ये वैसी बस जितने भी लेटर लिखे जाएंगे उनका लोगो क्या होगा, तो ये कोई ट्रेडमार्क नहीं है. तो लोगो भी जो है ना ये एक्सपेंसिव होता है. नहीं, मस्ट हैड तो उनके लिए यूज होते हैं जिनकी कोई पब्लिशिंग होती है. जो मैंने मिसाल भी मैगजीन्स की दी थी, उनके ऊपर जो टाइटल होता है ना वो उनके बिजनेस की पहचान है. आइंदा उस निशान से जो भी नया मैगजीन आएगा, कोई और अखबार आना शुरू हो जाएगा, तो लोग उसको खरीदेंगे कि ये रिलायबल लोग हैं. तो वो ट्रेडमार्क की तरह की चीज होती है. क्वेश्चन नंबर 8, यार वो मैंने वो किसी ऑफिस बॉय को बुलाने को कहा था, आया कोई नहीं. चले मैं समझाता हूं, इस पर से काफी सारी अंग्रेजी उम्मीद है आपको समझ नहीं आई होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट. इन में से कोई एक है जिसको एसेट नहीं मानना. और ये डेट ध्यान में रखिएगा, 30 सितंबर 21 ईयर एंड हो रहा है. शुरू कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ होगा. पॉइंट ए का मतलब यह है कि एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए डेवलपमेंट 132 मिलियन खर्च किए, डेवलपमेंट पर खर्च किए. 2021 में मैनेजमेंट को परेशानी हुई कि ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, पैसे तो नहीं है. दी फाइनेंसिस टू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट केम फ्रॉम कब? अ कैश इंजेक्शन. कैश का इंजेक्शन लगा दिया, कैश इंजेक्ट हो गया फ्रॉम अ बेनिफैक्टर, कोई होगा शुभचिंतक, कोई खैर ख्वाह होगा. कब? ईयर एंड तक क्या हालात हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, और इस चीज को हम मजीद डिस्कस कर सकते हैं अभी कुछ अर्से बाद, रिजल्ट के बाद. IAS 10 पढ़ाऊंगा ईयर एंड के बाद के वाक्यात, तो उसमें अगर किसी को ये बात याद रह गई, ये मिसाल तो सर आपने तब भी बताना था, तो दोबारा दोहरा दूंगा. तो ईयर एंड तक हालात खराब है, तो जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको एसेट नहीं कह सकते. और अगर इस पे एक डाउट, बेटा इसका टेम्परेचर डाउन करना है, 26 तो नहीं कूलिंग करता कोई. अच्छा देख लूं, यू नो कहानी सुना दूं गलत हो. हाँ ठीक है, ठीक. बी का मतलब समझे, सब्सिडरी खरीदी, ये वो है जो मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन में कहा था ना कि एक बिजनेस खरीद लें, तो वो कंसोलिडेशन में हम लोग पढ़ेंगे, उसको सब्सिडरी कहते हैं, वो जिस बिजनेस को खरीदा होता है. GL ने एक बिजनेस खरीदा, और ये जितना कुछ यहां लिखा हुआ है, ये पॉइंट, ये हमने कंसोलिडेशन में पढ़ना है. ये भी आपको इसकी अंग्रेजी नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, ये बी पॉइंट की अंग्रेजी को इग्नोर करें. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो किधर गया ब्रांड, ये एसेट बनता है, बस एसेट बनता है. क्यों बनता है? इसका जवाब कंसोलिडेशन में मिलेगा, कंसोलिडेशन में, FR2 में, कंसोलिडेशन में मिलेगा. जब कंसोलिडेशन में हम ये चीज पढ़ लेंगे ना, तो इसका जवाब मिल जाएगा. तो एसेट है, बी एसेट है. सी, ब्रांड नेम परचेज किया है, तो एसेट है. डी, 21 मिलियन खर्च किया है डेवलपमेंट पे, और नवंबर 20 में ही मैनेजमेंट ने कंक्लूड कर लिया था कि सब अच्छा है, तो कंडीशंस यकीनन पूरी हो रही थी.
और प्रोडक्ट जो है वो अभी लॉन्च हो रहा है अभी अगले महीने और उम्मीद है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो पॉइंट नंबर डी का मतलब है कि डेवलपमेंट की कंडीशंस पूरी हो रही थी, तो ये भी एसेट है, ये है जो एसेट नहीं बन सकता। बाकी तीन पक्के एसेट है, ये एसेट नहीं बन सकता जी। 132 कहां से आए? नहीं तो मजीद पैसे नहीं है ना, 132 तो थे। नहीं आप कह रहे हैं 132 लगा लिए हैं तो मजीद लगाएं जी जी हाँ? नहीं ना वो कंडीशन पूरी नहीं हुई ना, वो जो डेवलपमेंट की कंडीशन हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, तो नहीं है ना रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है तो फिर कंडीशन ही नहीं पूरी हो पा रही। अब क्या किया था? नहीं फिर अब नजर नहीं आएगा ना, नहीं है क्या समझ नहीं आ रही आवाज? खैर है बर्दाश्त करें। नहीं स्पीड स्लो है। इसको बेटा 16 कर दो, 26 तो ये रिमोट इसका है नहीं, मुझे लग रहा है ग्री का तो नहीं। हाँ भाई द सिस्टम इज करंटली नॉट वायबल, वायबल का मतलब है फीजेबल नहीं है, वायबल फीजेबल का मतलब में आता है। तो डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया है एक नया सिस्टम, कोई नया प्रोडक्शन सिस्टम, जनरल प्रोडक्शन सिस्टम ये इन्होंने नया बनाने की कोशिश की है, वॉइस ही कर दिया गया। नया सिस्टम बनाने के ऊपर खर्चा किया है लेकिन प्रोजेक्ट करंटली वायबल नहीं है। तो वो जो 6 कंडीशन होती हैं, उन 6 कंडीशन का लुबे लुबाब क्या होता है, क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उन 6 में से 5 का? 6 कंडीशन थी, आखिरी कंडीशन थी खर्चा पता चल जाए कितना है, और पहली 5 इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने कि नहीं मिलने हैं, तो है ही नहीं, वायबल ही नहीं, फीजेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये एसेट नहीं होगा। यूनिवर्सिटी से रिसर्च खरीदी है तो ये रिसर्च है। सी एक्सपेक्टेड टू मेक अ लॉस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है। डी कॉस्ट सेविंग होगी तो हाँ ये एसेट होगा। Which two of the following factors? के जो हमारा की स्टाफ है, की स्टाफ समझ लीजिए जैसे कॉलेज के टीचर्स, तो की स्टाफ को एसेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? दो रीजंस पूछ रहे हैं, दो रीजंस, कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है, और वैल्यू भी नहीं निकाली जा सकती इनकी, वैल्यू नहीं, दे डू नॉट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, नहीं बेनिफिट्स तो होते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है, और इनकी कोई वैल्यू भी नहीं निकल सकती। कि लग सकती वैल्यू नहीं, की स्टाफ की क्या चाहिए लगेगी जी? वो असल में फुटबॉल प्लेयर्स को एसेट इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उनको वो साल दो साल तीन साल के लिए खरीद चुके होते हैं, कितने कितने मिलियन पाउंड्स उनको पे कर चुके होते हैं, तो वो पे करके उनके पास राइट्स होते हैं कि 4 साल जो रोनाल्डो खेलेगा हमारे साथ उसके लिए कितने मिलियन पाउंड्स दिए होते हैं, कितने मिलियन यूरो दिए होते हैं। नहीं नहीं वो तो तनख्वाहदार होते हैं ना, वो तो हर महीने की तनख्वाह है, हर महीने की सर्विस, हर महीने की तनख्वाह, तनख्वाह बंद सर्विस बंद, वो तो हर महीने के हिसाब से काम चल रहा है। तो ये जो खिलाड़ी फुटबॉल क्लब्स के होते हैं इनको पेमेंट टोटल की गई होती है, है जी? नहीं बस इखलाक नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं होता। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, लाइसेंस, ट्रेनिंग कोर्सेज, नहीं तो 1 एंड 2 ये 12 टोटली छोड़ दें, ये कंसोलिडेशन में गुडविल की कैलकुलेशन वाली बात लिखी हुई है, इग्नोर। 13 इनमें से वो पूछ रहा है रिसर्च की एग्जांपल्स,
हाँ जी सी क्यों पॉसिबल वर्ड की वजह से तेरे देख लेना हाँ जी पॉसिबल वर्ड की वजह से पहले में उसने कहा हुआ है कि हम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर रहे हैं किसकी चोजन अल्टरनेटिव तो अल्टरनेटिव चूज हो चुका है तो बात आगे गई है तो डेवलपमेंट होती है प्रोटोटाइप्स डेवलपमेंट होती है पायलट प्लांट के ऊपर खर्चा डेवलपमेंट होती है तो डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट तो अभी इस वक्त हम लोग पॉसिबिलिटीज के ऊपर है तो ये रिसर्च फेज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब आप ये समझ लें कि कॉस्ट लेस एमोर्टाइजेशन तो एमोर्टाइज कॉस्ट ये डी आपके सिलेबस की चीज नहीं है इसलिए डी का मतलब आपको नहीं पता चलेगा आंसर वैसे पहले तीन में मिल जाएगा आपको जी बी ए इसलिए गलत है क्योंकि ए का मतलब है कि ऑल इंटेंजिबल एसेट्स लाजमी अमोर्टाइज होंगे सारे होते हैं अमोर्टाइज नहीं दे कैन नॉट बी रिवैल्यूड अपवर्ड्स ये भी गलत है रिवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है तो ये पॉइंट गलत है सी प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप ये डेवलपमेंट में आता है प्रोटोटाइप मैंने आपको कहा था सैंपल जैसी चीजें तो वो कह रहा है कि प्रोटोटाइप क्योंकि फिजिकल चीज है तो इसलिए उस पर किया गया खर्चा इंटेंजिबल एसेट नहीं हो सकता तो ऐसी बात नहीं है फिजिकल चीज प्रोटोटाइप भी फिजिकल चीज है पायलट प्लांट भी फिजिकल चीज है इवन देन उन पे किया गया खर्चा डेवलपमेंट कॉस्ट होता है तो ये भी गलत है बात बी बी में कह रहा है कि सेल्स बढ़ेंगी नहीं सेल्स नहीं है यानी इससे हमने सेल्स नहीं करनी है फिर भी एसेट हो सकता है तो क्यों हो सकता है क्योंकि कॉस्ट सेव करके देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाँ ये जो पॉइंट लिखे हैं ना इस एमसीक्यू का मतलब समझ लें इसको ऑप्शन से तो बाद में जाते हैं प्रिक्लूड आप कैसे रोकना तो एसेट की कॉस्ट में हम खर्चे कैपिटलाइज कर रहे हैं इनमें से ऐसा क्या हो के खर्चों को कैपिटलाइज ना करना हो नहीं मैं सही समझा सका हम खर्चों को कैपिटलाइज कर रहे थे इनमें से ऐसी क्या वजह होगी जो खर्चों की कैपिटलाइजेशन को रोक देगी मैं बात समझा सका क्या ऐसी वजह है जो खर्चों को कैपिटलाइज करना रोक देगी तो इनमें से ऐसी कौन सी वजह है डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ कोई बात नहीं कंप्लीट नहीं हुआ तो जब तक डेवलपमेंट फेज चल रहा है खर्चे कैपिटलाइज हो ही रहे होते हैं तो डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई यह बात खर्चों को कैपिटलाइज करने से रोक नहीं देती तो यह आंसर नहीं है अभी तक पेटेंट रजिस्टर नहीं हुआ तो ना सही ना कराएं रजिस्टर तो पेटेंट रजिस्टर ना होना ये खर्चों को रोक नहीं देगा कैपिटलाइज करने से अभी तक किसी कस्टमर से हमने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं ये कुछ शर्त थोड़ी है कैपिटलाइजेशन की ये भी कोई मसला नहीं है इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू रिलायबली एलोकेट कॉस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट यानी हम खर्चा डिटरमिन नहीं कर पा रहे हाँ ये कैपिटलाइजेशन रोक देगा क्योंकि कैपिटलाइजेशन के लिए छह शर्तों में से ये एक शर्त है और अगर शर्त पूरी नहीं होगी तो फिर एक्सपेंसेस हम कैपिटलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो यही एमसीक्यू का मतलब था कि इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो खर्चों को कैपिटलाइज होने से रोक लेगा प्रीक्लूड कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट के खर्चों को कैपिटलाइज होने से वो रोक लेगा तो ये है जो खर्चों को कैपिटलाइज होने से रोकेगा अच्छा जितने लोग हैं जी पेटेंट रजिस्टर कराना जरूरी तो नहीं होता पेटेंट तो इसलिए रजिस्टर कराते हैं ताकि हम सिक्योर हो हम अकेले रेस में दौड़े ज्यादा देर हम ही फायदा उठाएं पेटेंट होता है कि हम गवर्नमेंट से इजाजत ले लेते हैं कि अब हमने इतनी मेहनत करके कोरोना की दवाई बनाई है तो थोड़ी देर मार्केट में हम अकेले भी तो दौड़े ना हमने इतनी खिदमत की है कौम की तो आपको देना दो चार साल हमें कि सिर्फ हम अकेले बनाएं और अकेले बेचें तो उसके लिए पेटेंट रजिस्टर होता है तो ये कोई जरूरी तो नहीं है पेटेंट रजिस्टर कराना ना करवाएं कंपटीशन में दौड़ लें अच्छा जो खामोश शक्लें क्लास में बैठी हुई है ऑनलाइन वाले तो मुझे नहीं नजर आ रहे ये जितने खामोश यहां बैठे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो पूछा करें भाई समझ आ रहे हैं? मैं पूछ लूं फिर समझ आ रहा है क्या मतलब था इस 15वें एमसीक्यू का नहीं 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 कौन सी ऐसी कॉस्ट नहीं पूछा था नहीं कौन से ऐसे खर्चे जो हमें कैपिटलाइज करना रोक देना नहीं ये भी तो प्रॉब्लम कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट कौन से ऐसे खर्चे जो
ये रेड शर्ट खर्चे नहीं, खर्चे तो है ही नहीं बेटे, ये तो खर्चे नहीं है सामने लिखते हुए। पूछा इनमें से ऐसी कौन सी वजह है, विच ऑफ द फॉलोइंग का है बस, लेकिन ये खर्चे नहीं है तो वजह लिखी नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी वजह है जो खर्चे को कैपिटलाइज होने से रोक देगी। 16 नहीं कर रहा ये काफी, बल्कि इतना भी गहरा नहीं है। नहीं ठीक है, देख लेते हैं। ₹2,00,000 खर्चे किए डेवलपमेंट पर, ₹60,000 की मशीनरी खरीदी है, मशीनरी जिस मशीनरी की लाइफ 4 साल है, तो मशीनरी की कॉस्ट सारी डेवलपमेंट में ऑर्डर करने नहीं, उसकी डेप्रिसिएशन। तो डेवलपमेंट फेज सारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2018 यानी पूरा साल चला है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 15,000, 15,000 कैपिटलाइज होगा, 2 लाख कैपिटलाइज होगा और ₹40,000 बिल्डिंग दी ब्रांड आइडेंटिटी, ये तो सब मार्केटिंग के खर्चे हैं, तो 2 लाख और 15,000 क्यों है? हाँ नहीं तो फिर 4 साल ना होते ना, फिर दी मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 4 ईयर्स स्पेसिफिकली यूज का मतलब है कि खरीदने से लेके डेवलपमेंट पूरा होने तक मशीनरी यही इस्तेमाल होती रही। 1 जनवरी को मशीन खरीदी थी, 31 दिसंबर तक काम चला, मशीनरी स्पेसिफिकली यूज्ड किस लिए? टू हेल्प डेवलप द न्यू प्रोडक्ट। तो मशीनरी स्पेसिफिकली डेवलपमेंट फेज में यूज होती रही। अगर आप कह रहे हैं ना कि इसके अलावा जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं था, तो फिर 4 साल किस बात के? यूजफुल लाइफ 4 साल है, हमने यूज करनी है तो 4 साल है ना। तो 2,15,000 ये नहीं कर रहा मैं, ये भी नहीं कर रहा मैं, कर रहा 21। हाँ जी ये भी अच्छा पॉइंट है, अच्छा एमसीक्यू में। चले पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तुंगड़ाइयां ले रहे होंगे, मैं बता देता हूं। 2014 में एक प्रोडक्ट का पेटेंट खरीदा था, यानी राइट्स खरीदे थे कह लें, 2014 20 साल के लिए, 14, 15, 16, 17, 18 5 साल गुजर गए, बाकी रह गए 15। इन 2019 जो एक कंपेटिटर था हमारा मार्केट में, हमने उसको भी खरीद लिया, कंपेटिटर को भी खरीद लिया, कंपेटिटर को भी खरीद के तो पीडीएम बना के, तो अब जो है ना हम मार्केट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैकेनिज्म पीडीएम प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो 2019 जब ए के राइट्स खरीदे हुए 5 साल गुजर चुके थे, 15 रह गए थे, तो फिर एक कंपेटिटर के हमने राइट्स खरीद लिए, उस कंपेटिटर के राइट्स हैं 20 साल के, लेकिन हमारा उनके राइट्स को खरीदने का पर्पस वो कंपेटिटर प्रोडक्ट बना के बेचना है नहीं, सिर्फ कंपटीशन खत्म करना है। तो हम जो प्रोडक्ट ए मजीद अब बेचने वाले हैं कितने साल? 15 साल। तो हमने जो कंपेटिटर के राइट्स खरीदे वो भी हमने सिर्फ कंपटीशन के लिए खरीदे थे, मजीद नहीं चलाना उसको। तो जो रिमेनिंग 15 साल रहते हैं, हम कंपेटिटर के राइट्स खरीदने का फायदा भी बस उन 15 साल तक लेना चाह रहे हैं। नहीं समझ रही। 2019 और 2014 5 साल गुजर गए, ये तो समझ आ गया। 2019 में एंटिटी ने परचेज किया एक पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट ए बना के बेचते हैं, ये पहले सेंटेंस का मतलब है। उसके बाद 2019 में हमने एक कंपीटिंग प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट बी के बनाने के राइट खरीद लिए, कितने अरसे के? 20 साल, यानी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 20 है। पर्पस क्या था? टू इलिमिनेट कंपटीशन,
However, the entity does not intend to manufacture the competing product. हमने product भी बनाना नहीं है, बस सिर्फ उसको रस्ते से हटाना था. अच्छा, कितनी देर के लिए रस्ते से हटाना था? 15 साल, क्योंकि प्रोडक्ट ए को बेचने में थे ही 15 साल बाकी, तो इसलिए हमने इससे बेनिफिट कितना अर्सा लेना है? 15 साल. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 20 साल है, बेनिफिट कितना अर्सा लेना है? 15 साल. तो इसलिए हमें इस नए पेटेंट की लाइफ 15 साल रखनी चाहिए. अच्छा, ये तो दूसरी बात हो गई. पहली बात, इस नए पेटेंट को खरीदना एसेट भी है कि नहीं? है, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो इसके ये एसेट बनेगा और 15 साल पे अमोर्टाइज होगा. ठहरे, मैं देख लूं कहानी सही सुनाई कि नहीं. सही है, सही है जी. The entity purchased patent of a competing product to eliminate competition. एक ही था competitor, वो भी हमने खरीद लिया, तो अब competition खत्म हो गया. 22. चलो बस दो रह गए, जल्दी जल्दी फिर वो लीज पे जाना. फेयर वैल्यू कब लिया है? अच्छा अच्छा, IS 38, ये MCQ 18 में एक पॉइंट समझ ले भाई. ना भी पढ़ा हो तो खैर, एक बात जो बात समझा रहा हूं आपको, पॉइंट ही पूछ रहे हैं असल में. अगर आपने MCQ नहीं भी पढ़ा, वैल्यूज नहीं भी देखी, कोई बात नहीं. IS 38 रीवैल्यूएशन मॉडल. रीवैल्यू करने के लिए शर्त क्या है? कि फेयर वैल्यू कहां से पता लगे? एक्टिव मार्केट से. ये सिर्फ IS 38 की रीवैल्यूएशन मॉडल की शर्त है, सारी दुनिया जहां के एसेट्स की फेयर वैल्यू की शर्त नहीं है. फेयर वैल्यू निकालने का एक आईएस है, IFRS 13, मैंने पहले भी जिक्र किया था, सीफ़ में पढ़ेंगे. उसमें बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे. मार्केट से रेट पता लग रहा है तो मार्केट से रेट पता लग रहे हैं, किसी दो चार से पूछना है दो चार से पूछना है, खुद कैलकुलेट करना है खुद कैलकुलेट कर लें, फ्यूचर कैश फ्लोज का बहुत सारे तरीके हैं, लेवल 1, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 3. उन्होंने किसी भी दर्जे पे वैल्यू निकलती है, निकाल लो बस किसी तरह. तो फेयर वैल्यू निकालने के बहुत सारे रस्ते हैं, लेकिन IS 38 की रीवैल्यूएशन के लिए सिर्फ एक शर्त है. पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में वो रीवैल्यूएशन नहीं करवा रहा, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करवा रहा है. इंपेयरमेंट टेस्टिंग IS 36 में आती है, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये दो चीजें इस्तेमाल होती हैं. इसके लिए जो फेयर वैल्यू है वो भी एक्टिव मार्केट वैल्यू होना शर्त है? नहीं. सादी फेयर वैल्यू यह है कि कितने का बिक जाएगा. तो इसमें यहां पर उसने फेयर वैल्यू का इस्तेमाल इसको कर लिया, लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए नहीं, वो एक्टिव मार्केट की शर्त जरूरी थी. ये सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट के लिए किया है. तो वैसे फेयर वैल्यू ठीक है जितने का बिक जाएगा, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की फेयर वैल्यू, वो खास शर्त है कि एक्टिव मार्केट की होनी चाहिए. ठीक है, 21 हो गया, 22. ये पास पेपर के हैं, ये 21, 22, 23 जो है ना, 20 तक इनके अपने पुराने थे, और ये पास पेपर के हैं, 21, 22, 23 पास पेपर के हैं. ये वही जो पॉइंट लिखवाया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर और जो रिलेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर का जरूरी हिस्सा है, वो IS 16 में ही कंबाइंड एसेट के तौर पे आएगा. और लास्ट, 10 साल का लाइसेंस है 90 मिलियन का, और सिर्फ 1 मिलियन देके 5 साल रिन्यू हो सकता है, 10 और +5. अंदाजा है कि 12 साल तक बेनिफिट्स मिलेंगे, तो रिन्यू करवाएंगे ना, जब करवाएंगे तो 15 versus 12, तो 12. चले, ये हो गए MCQs और पास पेपर्स के भी यही थे. अच्छा, इसके अलावा मुझे ऑनलाइन पे किसी बच्चे ने कहा था कि आप ना एक दफा बता दें कि कि IAS पढ़ना कैसे. तो आपने पहले पढ़नी है बिस्मिल्ला. जो आपके पास 5 किताबें हैं, अगर आपने किसी ने खरीदी हैं, तो उनमें से पार्ट ए, और जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी और आपके पोस्ट पर भी रखा हुआ IAS 38, यहां से ना IAS शुरू हो रहा होता है, जहां से गिनती 1 शुरू हो जाती ना, ये 1 1 2, सादा 1 2, वरना कुछ होंगे जिनमें BC 1 2 बेसिस ऑफ कंक्लूजन, कुछ होंगे जिनमें IN, कुछ होंगे IE या सिर्फ B. तो जिसमें सादी नंबरिंग है 1 2 3 4, यहां से IAS शुरू होता है,
और ये सारा कुछ वही है जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, और ये चल रहा है डिस्क्लोजर्स तक बस। डिस्क्लोजर्स और हाँ हाँ बस, ये ट्रांजिशन प्रोविजन से ऊपर पड़ता है। तो जिन्होंने आईएएस पढ़ना हो, ये जहां से गिनती शुरू हो रही है ना, और जिनके पास फिजिकल बुक है पार्ट ए में से पढ़ना है, पार्ट ए के भी दोस्त हैं A1 A2, तो वो सिर्फ तरतीब के हिसाब से हैं, क्योंकि सारे बुक में आ नहीं रहे थे, तो आईएएस 38 यकीनन दूसरी वाली बुक में होगा, A2 में होगा आईएएस 38। तो जो लोग पढ़ना चाहें तो ये 1 से गिनती शुरू हो जाती है। आपने करना सिर्फ इतना है कि जब पूरा टॉपिक तैयार हो जाए, पूरा टॉपिक मैं उसको कंक्लूड कर दूं, बस ये खत्म हो गया प्रैक्टिस समेत, उसके बाद आपने बस उसको रीड करते जाना है। इसकी बहुत ज्यादा ऑपरेशन करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि ये सारा का सारा आईएएस FR2 वालों के लिए नहीं लिखा हुआ, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखे होते आईएएस, ये तो प्रैक्टिकल कंपनीज के लिए लिखे होते हैं। स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे होते हैं, तो इनमें से सारा कुछ जरूरी नहीं कि एग्जामिनर मिलो, इनमें से सारा मेन जो है ना आपको पढ़ा दिया होगा, फिर भी आप बस रीड करते जाएं, उससे एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप बीच में स्टिकी नोट्स लगाना चाहें, टैग लगाना चाहें, बिल्कुल लगा लें कि पेपर में अगर खोलना हो तो पता तो चले क्या चीज कहां लिखी हुई थी, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और उन स्टिकी नोट्स पे बहुत सारी कहानियां लिखनी है नहीं, मैक्सिमम आप उनमें हेडिंग्स और ये लिख सकते हैं कि कौन सा किस पेज के ऊपर आपने लगाना है। तो ये इसको आईएएस को पढ़ने का तरीका है कि सिंपली इसको रीड करते जाएं बस। चल ठीक है, ये मैंने दो इससे लेक्चर के किए हैं, ये 13A था, अब 13B पे आ जाए।